चार्ज 3 के नाम से जाना जाता है, और ये स्पेशली MI का है, और हमने ये MI Note 6 Pro के लिए मंगवाया है। वैसे आप इसको Note 5 Pro में भी चला सकते हैं। तो ये फ्लिपकार्ट से मंगवाया हमने, ये इसके बारे में, ये 500 रुपये का आया है, इसका रेट है, और यहाँ पे फ्लिपकार्ट की ब्रांडिंग है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि कैसा है ये चार्जर। तो बॉक्स कुछ इस तरीका का है। तो ये इसमें फिर से वही एक डिटेल मेंशन है इसके बारे में, फ्लिपकार्ट के इसका बिल है ये। तो इसको रखते हैं साइड में, देखते हैं कि चार्जर कैसा है। तो ये एक चार्जर है दोस्तों, ये अपने एक हल्के से बॉक्स में आता है, और इस पे अगर हम डिटेल देखें कुछ तो इस तरीके से है। इस पे लिखा हुआ है MI स्टैंडर्ड चार्जर एंड क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0। बेसिकली ये क्विक चार्ज 3.0 को सपोर्ट करता है, और इसका नाम है, प्रोडक्ट नाम है MI चार्जर, और प्रोडक्ट मॉडल नंबर है इसका MDY08EW। तो देखते हैं इसको ओपन करके कैसा निकलता है। तो ये है वो चार्जर। तो इसका अगर आउटपुट हम देखेंगे, यहाँ पे इसके बारे में कुछ डिटेल है। तो ये है आउटपुट 5 वोल्टेज 3 एम्पियर एंड 9 वोल्टेज 2 एम्पियर। तो इनफैक्ट ये एक फास्ट चार्जर है, और यहाँ पे क्लियरली लिखा भी हुआ है क्यू का निशान है Q3। तो इसका मतलब ये क्विक चार्ज 3 को सपोर्ट करता है। तो इससे पहले भी हमने इसका टेस्ट ले लिया है, इसका रिव्यू हमने ले लिया है। ये बहुत ही अच्छा चार्जर है, बहुत ही अच्छा। अगर आप इसमें 500 रुपये खर्च करेंगे तो ये आपको निराश नहीं करेगा, और इतनी अच्छी चार्जिंग देता है। बट अदर डिवाइस की मैं कह नहीं सकता। MI Note 6 Pro के मामले में मैंने इसको चेक किया है, पर आप Note 5 Pro में भी सेम कंडीशन इसको यूज कर सकते हो, और इतनी फास्ट चार्जिंग देता है कि बहुत ही अच्छी चार्जिंग देता है। वो जो नॉर्मल अडेप्टर है इसका, वो ये है। तो इसके नॉर्मल अडेप्टर का अगर हम देखें, तो नॉर्मल और इस अडेप्टर में क्या फ़र्क है दोस्तों, तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। नॉर्मल का जो आउटपुट है वो है 5 वोल्ट 2 एम्पियर, और इसका जो आउटपुट है वो है 5 वोल्ट 3 एम्पियर। और नॉर्मल के मुकाबले में इसका वजन भी ज़्यादा है, और साइज में भी ये बहुत ही बड़ा है। तो अगर आप इसको लेते हैं तो ये चार्जर बहुत ही अच्छा चार्जर है, जो कि मैं कहूँगा। और ये फ्लिपकार्ट से हमने मंगवाया है, 500 रुपीज़ का ये हमको पड़ा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपको कुछ और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।